नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार फिर से आज आपके लिए एक थोड़ी सी जानकारी लेके सामने आया हूँ। साथियों, मुझे जो मेरी पिछली वीडियो थी बीटीसी के लिए थी, उसमें मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बीटीसी के बारे में, मतलब उसका प्रोसेस क्या है। तो आज जो ये मेरा वीडियो है ये दो चीज़ों के लिए है, विशेष ध्यान सुनना। सबसे पहले बीटीसी क्या है, मतलब बीटीसी डीएलएड उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसमें योग्यता क्या चाहिए, और बीटीसी मतलब जिसका नाम डीएलएड है उसको करने के बाद आप कहाँ कहाँ तक टीचर बन सकते हैं, यानी कि मतलब किस क्लास तक टीचर बन सकते हैं, सैलरी वगैरह इतनी, ये सब क्या होता है। तो मैं आज पूरी बीटीसी की डिटेल को लेके सामने आया हूँ, ठीक है साथियों। दूसरी जानकारी मेरी इस वीडियो में ये रहेगी कि कुछ लोग कहते हैं कि आज भी ये प्रश्न बहुत यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि बीएड अच्छा है या बीटीसी अच्छा है, ठीक है साथियों। तो इसके बारे में आज मैं 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बीटीसी का प्रोसेस क्या है, ठीक है साथियों। देखिए, बीटीसी जिसका नाम अब नया नाम डीएलएड है, जो हमने 2015 में 2014 बैच था हमारा, उसमें हमने क्या था, तब तक इसका नाम बीटीसी ही था, तो उसके बाद इसका नाम डीएलएड कर दिया था, उसका तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए। आप मिनिमम ग्रेजुएशन आप कर चुके हों, ग्रेजुएशन आप समझते ही होंगे, 12वीं के बाद 3 साल का आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए, ये इसके समकक्ष और भी कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है साथियों। तो वो क्या हो, उसके बाद आप बीटीसी, यानी कि मैं बीटीसी कहूँगा क्योंकि मैं बीटीसी किसी का हूँ तो मेरे याद वही है, ठीक है, डीएलएड में आप एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है साथियों। उसकी मिनिमम योग्यता क्या है, आपका ग्रेजुएशन में जो आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीबीए, बीसी जो भी कुछ किया है, उसमें आपके मिनिमम न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है साथियों। उसके बाद इसका प्रोसेस समझाऊं तो मैं थोड़ा सा, प्रोसेस क्या है इसका, जो प्रोसेस है वो ये है कि आपका जो 12वीं का परसेंटेज है, 10वीं का परसेंटेज है और फिर ग्रेजुएशन का परसेंटेज है, उनकी तीनों की मेरिट को जोड़कर, परसेंटेजों को जोड़कर, उसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर इसमें एडमिशन होता है, ठीक है साथियों, एडमिशन होता है। और हाँ, एक बात हो रहा है, इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसे इसका अभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, पहले होता था बहुत पुराने समय के बाद, तब होता था, ठीक है साथियों। तो उससे क्या है, यानी कि आपकी मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है, ये बात क्लियरली समझ गए होंगे आप। उसके बाद इसमें दो बात और आती है, इसमें एक बात आती है कि आप गवर्नमेंट सीट से करें, गवर्नमेंट सीट का मतलब होता है उसको फ्री सीट भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे जो हमारे 75 जिले हैं उसमें 10,000, यूपी की बात कर रहा हूँ, 10,600 सीट फ्री सीट कहलाती है या गवर्नमेंट सीट कहलाती है, ठीक है साथियों। उसके अलावा लगभग 2 लाख से ज़्यादा सीट्स निजी सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स हैं, ठीक है साथियों। अब लोग सोचते होंगे कि किससे करने से फ़ायदा है, ऐसा फ़ायदा वायदा किसी से नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, बस सिर्फ अंतर क्या है, अगर आपकी अच्छी मेरिट है, अच्छी मेरिट का, अब अच्छी मेरिट का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलेज में, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, 2015 में हमारा जो 2014 बैच था उसकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी कि जो डायट होता है, ठीक है, हर जिले पे एक डायट शॉर्ट में नाम, उसका डायट बोला जाता है, पूरा नाम तो ऐसा होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये नाम होता है, जो हर एक जिले पे एक डायट होता है, ठीक है साथियों। उसकी जो मेरिट स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 240-242 नंबर से उसकी मेरिट स्टार्ट हुई थी और लास्ट में 210 नंबर पर ख़त्म हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो बात 2015 की थी साथियों। अब 2020 है, तो अब आप समझ सकते हैं, और कोई फिक्स नहीं है कि मेरा नंबर आ जाएगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं क्या साथियों मेरे 220 हैं, 30 हैं, ऐसा भी कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अब एक तो स्टेट वाइज मेरिट लगाई जाती है, यानी कि जिले वाइज नहीं लगती, स्टेट पूरे स्टेट लेवल की एक मेरिट निकलती है, यानी कि वो क्या हिसाब होता है हम नहीं समझ सकते, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आपका आपका लगभग 240 है, यानी कि आपका 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, इन तीनों का 240 है, तो आप मान सकते हैं कि आपका डायट में आ सकता है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट से करते हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है प्राइवेट में और सरकारी में, सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे फीस आपकी 10,200 है एक साल की,
जो डायट है आपका सरकारी सीट है, उसके बाद वो कोई फीस नहीं लेते, थोड़ा बहुत वो होता है वो अलग बात है ठीक है। लेकिन प्राइवेट की उस फीस है वो आपकी लगभग 50,000 के आसपास है, और वो बाकी फैकल्टी पर डिपेंड करता है वो आपसे कितना है ठीक है साथियों। तो सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में से आप ये बात निकाल दीजिए कि हम प्राइवेट से करेंगे या आप गवर्नमेंट से करेंगे, तो ऐसा कैसे होगा ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि मेरा इतने नंबर है, मेरे 230 है, 35 है, मेरा नंबर आ जाएगा नहीं। मैं कह सकता हूँ कि 240 वाला अपना नंबर फ्री सीट पे मान सकता है, गवर्नमेंट पुलिस पे मान सकता है, बाकी इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि हर जिले की अलग मेरिट होती है ठीक है। ये बात हो चुकी। उसके बाद बात आती है कि आप BTC के बाद, BTC करने के बाद आप आपका आपके कहाँ कहाँ ऑप्शन है यार, क्योंकि आप जॉब किस लेवल तक कर सकते हैं और किस किस संस्थान में आप जॉब कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइमरी यूपी प्राइमरी में है वहाँ के लिए BTC पहले से स्पेशल है, यानी कि BTC एक प्रकार से अनिवार्य था, अब भी है, लेकिन अब क्या कर दिया, ये 69,000 वाली भर्ती है, उस भर्ती में क्या कर दिया कि BEd वालों को भी शामिल कर लिया है ठीक है। पहले जो BEd था वो जूनियर क्लासेज 6, 7, 8, इन तीन क्लासेज को जूनियर क्लासेज बोलते हैं, और 9, 10 इनको हम माध्यमिक बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा ठीक है। यानी कि पहले जो BEd था वो जूनियर और लेक्चररशिप यानी कि 9-10 क्लास के लिए था, यानी कि TGT हम BEd वाला दे सकता था, BEd वाला प्राइमरी में शामिल नहीं था। BEd में जो हमारी भर्ती हुई थी 68,500 वाली, मैं बता दूं तुम्हें, उस भर्ती में सिर्फ और सिर्फ BTC वाले थे ठीक है साथियों। तो अब BEd को प्राइमरी में भी शामिल कर लिया है। देखो मेन बात क्या है, मेन बात क्या है कि हर एक आदमी, मैं हूँ, आप सब ये सोचते हैं कि हमें पहले रोजगार मिल जाए ठीक है ना, ये एक थोड़ी कड़वी सच्चाई है। उसके बाद हम सोचते हैं कि मेरा गोल क्या है, कि मैं TGT करूँगा या मैं NET करूँगा, ये सब हम बाद में सोचते हैं ठीक है साथियों। तो फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ BTC अब जो मतलब जूनियर तक है, यानी कि आप कक्षा 1 से 8 तक टीचर बन सकते हैं प्राइमरी और जूनियर में, उसके दोनों के लिए आपको TET या CTET पास करने होंगे। उसके बाद आप यूपी में तो है ही, यूपी में तो आप प्राइमरी जूनियर में दोनों जा सकते हैं। उसके बाद भी आप KVS होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, ये आप जानते ही होंगे ठीक है, जो सेंट्रल का होता है। दूसरा नवोदय विद्यालय होते हैं, जिनके हॉस्टल होते हैं, बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, इन सब में भी आप जा सकते हैं। और मैंने देखा है जो DSSB वैकेंसी निकालता है उसमें भी मतलब बहुत स्कूलों में BTC को मान्यता दी जाती है। वो अलग बात है कि वो CTET पास के बाद अपनी अलग एग्जाम्स ले, जैसे सुपर टेट होता है ऐसे ये अपना भी अलग एग्जाम लेते हैं तो ठीक है साथियों। ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। थोड़ी सी मैं और बात बता दूँ तुम्हें, जो आपका प्राइमरी में है उसका 4200 ग्रेड पे है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 4200 ग्रेड पे है, यानी कि आपकी सैलरी भी लगभग 40-42,000 के आसपास होती है स्टार्टिंग में, और जूनियर की थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके 4600 ग्रेड पे होता है, उसकी स्टार्टिंग में 47-48,000 के आसपास होती है। वो तो बढ़ते रहते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है हर साल, तो वो चेंज होता रहता है ठीक है। तो आपको BTC का क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, BTC पहले से ही अनिवार्य है प्राइमरी में, BEd इस साल ही आया है, मतलब पिछले साल मतलब 69,000 वाली भर्ती में आया है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी BEd का एंट्रेंस दिया था और मेरा भी गवर्नमेंट सीट पे हुआ था 2015 में ही, लेकिन तब तक BEd प्राइमरी में शामिल नहीं था, इस कारण मैंने सिर्फ BEd को 2-3 महीने में गया, वो भी कभी कभी, हालांकि बहुत अच्छी रैंक थी मेरी गवर्नमेंट सीट पर, मेरा एडमिशन हुआ था 1083 रैंक थी, मुझे आज भी याद है, लेकिन तब तक BEd प्राइमरी में शामिल नहीं था, इसलिए मैंने BEd को छोड़ दिया था और मेरा गवर्नमेंट सीट मुजफ्फरनगर में मेरा इसमें नंबर आ गया था ठीक है। वहाँ से मैंने BTC किया और फिर मैं 68,500 वाली भर्ती में सिलेक्ट हो गया था 2018 में, वो बात तो ठीक है। तो उसके बाद मैं और बताना चाहता हूँ तुम्हें, जैसे अब आपका BTC का क्लियर हो गया, उसके बाद एक बात आती है कि BEd करें या BTC, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए साथियों, एक थोड़ी सी जो बात है कि BEd 2011 से एक भर्ती आई थी 72,225 कुछ ऐसे पत्ते, 72,000 याद है मुझे, तो उसमें BEd को शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि जब BTC वालों की संख्या इतनी नहीं थी, प्राइवेट कॉलेज भी कम थे ठीक है साथियों, तो तब BEd वालों को शामिल किया था कि प्राइमरी में वो आ सकते हैं। उसके बाद भी 6 महीने की उनको इंटर्नशिप दी थी, उसके बाद ब्रिज कोर्स कराते हैं, उसके बाद उनको प्राइमरी में ले लिया था ठीक है साथियों। उसके बाद जो BEd को लिया है वो 2019 में ही लिया है ठीक है, जो 69,000 वाली भर्ती है। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले BEd सिर्फ स्पेशल था जूनियर के लिए और TGT के लिए ठीक है साथियों। हालांकि BEd
प्राइमरी से बड़ी डिग्री है, बड़ी उसकी मारक क्षमता है। अगर आप मैं बताऊं वो बहुत दूर, वो 10वीं तक का टीचर बनाती है हमें, उसके लिए एलिजिबल बनाती है हमें, ठीक है साथियों। बीटीसी 8वीं तक होता है, लेकिन बीटीसी कभी प्राइमरी से जूनियर से नहीं हटेगा, ये कन्फर्म है। हो सकता है इन फ्यूचर कि बीएड को हटा दिया जाए प्राइमरी से, क्योंकि वो चीज स्पेशलाइजेशन देती है हमें टीजीटी के लिए और जूनियर के लिए, ठीक है साथियों। कुछ लोग मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं बीएड प्लस आपकी पीजीटी मतलब पीजी डिग्री यानी कि एमएससी, इसको मांगते हैं पीजीटी के लिए, यानी कि पीजीटी के लिए बीएड को कहीं कहीं कंपलसरी माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे बीएड का लेवल क्या है, बीटीसी का लेवल क्या है, लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात सबको मालूम है रोजगार की होती है। तो ठीक है साथियों, मेरी बात को आप क्लियरली समझ गए होंगे बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत लोग नर्वस रहते हैं, पता नहीं कैसा दिमाग है उनका कि वैकेंसी तो आती नहीं, नंबर तो आता नहीं, क्या करोगे बीटीसी करके, ये भी चलता रहता है लोगों के दिमाग में। देखो साथ में बताना चाहूँगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई वैकेंसी आती है तो हर प्रत्येक आदमी सोचता है कि कुछ भी सिस्टम बने, कोई भी जुगाड़ लगे, मेरा नंबर आ जाए, कोई आरक्षण का हिसाब लगे या मुझे कोई एक्स्ट्रा वेटेज मिले, कुछ भी हो मेरा नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए केस पे केस चलते रहते हैं भारत में, ठीक है। ऐसा ही इंडिया ऐसा है, यहाँ तो जो आतंकवादी हैं वे उनको भी कोर्ट में लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो इस कारण भर्ती प्रक्रियाएं थोड़ी लेट होती रहती है, फंसती रहती हैं, ये तो एक अंग बन चुका है, ये ऐसा समझ लीजिए। हालांकि धीरे धीरे व्यवस्था सुधार होगा तो ये ठीक भी हो जाएगा, ऐसी भी चीज़ नहीं है कि ये सुधार नहीं होगा, लेकिन मेन बात क्या है, ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहा करो, वैकेंसी आती रहेंगी क्योंकि टीचर हैं, लगे हुए हैं, रिटायर भी होंगे, प्रमोशन भी होगा, तो क्या है वैकेंसी बनती रहेगी, ठीक है। बच्चे हैं, पैदा होते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, रोबोट उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो निगेटिव विचारों से आप दूर रहा करो, सिर्फ आपके लिए यही बात है, यही मोटिवेशन है, ठीक है साथियों। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बीटीसी के लिए क्या योग्यता है, कहाँ तक आप जा सकते हो, 8वीं तक बीटीसी के लिए होता है, ठीक है, और बीएड का क्या होता है, ठीक है साथियों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर कोई फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में रहिए। धन्यवाद।